अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। किसी को खांसी तो नहीं है ना? सब अच्छा जी। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आज आपको पेज नंबर 39 ओपन करना है अपनी बुक में और अपने सामने रखना है। अच्छा जी, इससे पहले हमें क्या करना है, इससे पहले हमें पता लगाना है कि कौन से अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने होमवर्क किया। मैंने होमवर्क में क्या दिया था, होमवर्क में मैंने कहा था आपको सर्वे करना है और बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी हैं जो कि स्फीयर हैं, ओव्यूल हैं या फिर सिलेंडर हैं। क्या आपने देखी, क्या आपने बहुत सारी चीज़ों को सर्च किया कि कौन कौन सी आपको कौन सी शेप बना के दे रही हैं, घर के किचन में या रूम में, बेडरूम में, लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, तमाम रूम्स में आपने देखा होगा आपकी टेबल्स कैसी हैं, आपके बाउल्स कैसे हैं, आपके स्पून्स किस शेप के हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि कौन सी शेप्स हैं और हमारे अराउंड ऑल अराउंड शेप्स हैं हर चीज़ की। बिल्डिंग्स होती हैं वो भी कोई शेप बना रही हैं, हम जो हैं वो ख़ुद भी एक शेप से बने हुए हैं, हमारे आई बॉल जो हैं वो स्फीयर हैं, गोल गोल हैं, अपनी आँखों को जाके देखें मिरर में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी अलॉट चीज़ें मैं पहले भी आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ और आगे भी देती रहूँगी। हाँ, तो पहले आज एक नई चीज़ पढ़ते हैं, उसके बाद हम रिव्यू करते हैं और चीज़ों को। ये देखें, पेज नंबर 39 में आपके पास क्या है, एक नया सॉलिड शेप जो कि दिखने में तो ट्राइंगुलर शेप की तरह है, तीन कोनों वाला ट्राइंगुलर, लेकिन इसका नाम है पैरामिड। क्या नाम है इसका, पैरामिड। जैसे इजिप्ट में पैरामिड होते हैं ना, जैसे मूवीज़ एंड कार्टून्स में भी आते हैं, वैसे पैरामिड है। अच्छा, ये होता कैसा है, देखें तो ये कैसा होता है, कि एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल और चार ट्राइंगल से बना होता है। आप अपनी बुक में देखें एक बार, जो पैरामिड है वो ब्रेक किया हुआ और नंबर्स बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4 नज़र आया। यस, पैरामिड अलग अलग ट्राइंगल बने हुए हैं, चार ट्राइंगल और एक स्क्वायर बना हुआ है, यानी कि इसका जो बेस होता है, जो डाउन एरिया होता है, वो एक स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। अ पैरामिड हैज़ 4 ट्राइंगल्स ऑन द साइड्स एंड अ स्क्वायर एट द बॉटम। यही मैंने आपको बताया कि चार ट्राइंगुलर शेप्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड से अप एंड डाउन, आगे और पीछे से, और राइट एंड लेफ्ट से ट्राइंगल्स होते हैं, और बेस से, नीचे से, बॉटम से कैसा होता है, स्क्वायर होता है, और इसको क्या कहते हैं, पैरामिड। दोबारा से कहें, रिपीट विद मी, पैरामिड, PYRAMID, पैरामिड। ये कैसा होता है, पैरामिड होता है। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपने देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, ऐसा थोड़ा सोचेंगे तो फिर याद आ जाएंगी। जैसे बर्थडे हैट होती है, इट्स लाइक अ पैरामिड, और इस तरह की कैंडल्स भी होती हैं, और इसके अलावा ऐसे पैरामिड टाइप शेप, ट्राइंगुलर टाइप शेप लैम्प भी होते हैं, टेंट भी होते हैं, हट्स भी होते हैं, और भी बहुत सारी रॉक्स भी होते हैं, ऐसे पत्थर नोकीले नोकीले होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। सोचें और भी सोचें। अच्छा, इसके अलावा हमें इसमें कुछ एक्सरसाइज भी दी गई हैं, करना क्या है, कलर ऑल द पैरामिड शेप्स, ऑब्जेक्ट शेप जो भी पैरामिड हैं इसमें, जो भी ट्राइंगुलर शेप होंगे, आपको उनमें क्या करना है, कलर करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझा दिया है ना पैरामिड शेप्स कौन से होते हैं, तो आप ऐसा करें, पैरामिड शेप्स को ढूंढें खुद से और इसमें कलर करें। आई एम नॉट टेलिंग यू, ओके, इट्स योर होमवर्क। और इसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज क्या है, ड्रॉ ऑल द फेसेस ऑफ पैरामिड। हमें पैरामिड बनाना नहीं है, पैरामिड की तमाम फेसेस बनानी है। जब फेसेस की बात आए तो फेसेस मतलब अलग अलग फेसेस बनानी है। हमें पता है पैरामिड में कितने ट्राइंगल्स होते हैं, 4 ट्राइंगल, तो आपको इक्वल लेंथ के 4 ट्राइंगल बनाने हैं और बॉटम का एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा पैरामिड का पूरे फेसेस। हमें पैरामिड कम्प्लीटली वैसा नहीं बनाना, हमें पैरामिड के फेसेस बनाने हैं। जब आप डिफरेंट फेसेस बना लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा पैरामिड। और दूसरी एक्सरसाइज में कलर करना है जो कि शेप्स हैं पैरामिड के, ठीक है। बहुत आसान काम है, आप काम करते हुए इंजॉय करेंगे और मज़ा आएगा, ठीक है। आपको अच्छी अच्छी राइटिंग पेंसिल से इसको ड्रॉ करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल कीजिएगा, ठीक।
और इसमें कलर कीजिएगा उन चीज़ों में जो कि सिर्फ ट्रायंगुलर शेप बनाए, पैरामीटर लगे, किसी और चीज़ में कोई भी कलर नहीं करना। इस तरह से आप पेज नंबर 39 को कंप्लीट कर लेंगे और जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप बताइएगा आपको पैरामीटर का कॉन्सेप्ट मिला है, ये आपके लिए एक नई शेप है, न्यू शेप है, और न्यू शेप जब समझेंगे, उसको कलर करेंगे, एक्सरसाइज तो आप टीचर को भी बताएंगे, कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ अपना ख्याल रखेंगे और रिव्यू करते रहेंगे अपनी मैथ्स की बुक को, तमाम सॉलिड शेप्स को। मैं आपसे कल टेस्ट लूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।